लगातार बढ़ती महंगाई के कारण आरबीआई ने फ्राइडे को यानी आज एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ा दिया है, जहां इस बार रिजर्व बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब रेपो रेट 5.9% हो गया है। इस साल में ये चौथी बार आरबीआई ने अपने रेट्स बढ़ाए हैं। इसके पहले आरबीआई मई में 40 बेसिस पॉइंट, फिर जून में 50 बेसिस पॉइंट और अगस्त में भी 50 बेसिस पॉइंट से रेट बढ़ा चुकी है, यानी ओवरऑल अप्रैल से अब तक 190 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक हो चुका है। अब ये रेट बढ़ने से होम, पर्सनल और कार लोन जैसे लोन्स लेना महंगा हो जाएगा। ये सब किया जा रहा है देश में महंगाई पर काबू पाने के लिए, जो अभी भी 7% है और दूसरी छमाही में करीब 6% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही आरबीआई ने FY23 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है। अब आरबीआई पॉलिसी के बाजार पर असर की बात करें तो हफ्ते भर से चल रही गिरावट के बाद आज क्रेडिट पॉलिसी के बाद मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली है।